एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ एंटोमोलॉजी ऑन माय यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो गाइस, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें एंटोमोलॉजी के बेसिक्स और इस मॉड्यूल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि बॉडी सेगमेंटेशन क्या होता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन मतलब हुआ कि हम किसी के बॉडी को एक्सटर्नली कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हम बॉडी सेगमेंटेशन अलग अलग क्यों करते हैं, मतलब इससे फ़ायदा क्या है? इससे हमें पहले तो पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हम इन्हें अलग अलग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग सेगमेंट्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, तो हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग पढ़ने के लिए हम इनका बॉडी को सेगमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स का बॉडी है वो तीन पार्ट या फिर तीन मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? टैग्मा, ठीक है। तो ये कौन कौन से तीन सेगमेंट्स हैं? पहला है हेड, दूसरा है थॉरेक्स और तीसरा है एब्डोमेन। तो इन तीनों को अगर कलेक्टिवली बोलेंगे तो टैग्माटा बोलेंगे, TAGMATA। और एक एक सिंगुलर अगर हम बात करें तो इनको बोलेंगे टैग्मा, मतलब हेड भी एक टैग्मा है, थॉरेक्स भी एक टैग्मा है, ठीक है। और इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्मोसिस कहते हैं। तो अब हम इनके एक एक सेगमेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है हेड, ठीक है। तो हेड क्या है? इंसेक्ट्स का सबसे एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो हेड है वो बहुत सारे माइनर सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना हुआ है, ठीक है। तो वो माइनर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोमर्स बोलते हैं, URO MERS, ठीक है। तो जो हेड है वो टोटल 6 माइनर सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। हेड जो है थोरेक्स से अटैच है, मतलब हेड जो है अपने सेकंड वाले टैग्मा से अटैच है, वो विद द हेल्प ऑफ किससे? सर्विक्स के हेल्प से, ठीक है। मतलब सर्विक्स का एक जंक्शन है हेड और थोरेक्स के बीच। दूसरा चीज़ ये है कि जो हेड होता है इंसेक्ट्स का वो कवर्ड होता है, बाहर एक क्या होता है? कैप्सूल बना होता है। किस चीज़ से? उनके एक्सोस्केलेटन का। तो उस एक्सोस्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरेट्स। मतलब बहुत जो हेड कैप्सूल है ना, हेड जो बना हुआ है, हेड के ऊपर जो कवर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम भी किससे बना है? एक्सोस्केलेटन से। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो टुकड़े टुकड़े में, क्योंकि ये जो हेड है पूरे कितना है? सेगमेंट्स में। तो ये सेगमेंट्स को अलग अलग एक्सोस्केलेटन कवर करता है, और वो अलग अलग टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरेट्स कहते हैं। आया बात समझ में? मतलब क्या है कि जो इनका इंसेक्ट का हेड होता है वो क्या होता है? स्क्लेरोटाइज्ड होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड कैप्सूल, ठीक है। तो हेड कैप्सूल, जब हेड पे अगर हम बात करें तो उनका माउथ पार्ट होता है, एंटीना होता है, बहुत सारे उनके क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं। तो ये हेड कैप्सूल जो है उस जगह पे नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है कि हेड कैप्सूल में जो एक्सोस्केलेटन है वो वहाँ वहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब जो स्क्लेरेट्स है यानी प्लेट्स जो हैं एक्सोस्केलेटन के, जो हेड्स पे पाए जाते हैं, वो टोटल कितने हैं इंसेक्ट्स में? 5 हैं, ठीक है। पहला है जेना, GENA, दूसरा है ऑक्सीपुट, OCCIPUT, तीसरा है फ्रॉन्स, ठीक है, चौथा है चौथा है क्लाइपियस, और लास्ट है वर्टेक्स। ये मैंने इस ऑर्डर में बोला है ताकि इस पे एक मैंने ट्रिक बनाया है, अभी करंट कंडीशन है तो मैंने इस चीज़ पर बना दिया कि गो फॉर कोरोना वायरस, ठीक है। तो एक ट्रिक है इसका, पांचों हम स्क्लेरेट्स याद कर सकते हैं। जी से क्या हो जाएगा? जेना। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीपुट। और फिर एफ से क्या हो जाएगा? फ्रॉन्स। सी से क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्लाइपियस। और लास्ट वी से क्या हो जाएगा? वर्टेक्स, ठीक है। तो इनसे 5 स्क्लेरेट्स को याद कर सकते हैं हेड के। अब देखो, ये जितने भी स्क्लेरेट्स हैं वो अटैच्ड होंगे आपस में, तो वो अटैच्ड होते हैं ग्रुप से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं, ठीक है। हेड में एंटीना अटैच्ड है, डिफरेंट ऑर्गन्स अटैच्ड हैं उसके, जो अपेंडेजेस हैं वो अटैच हैं। तो वो अटैचमेंट किससे होता है? टेंटोरियम से होता है, मतलब जो स्पेस होता है हेड में जहाँ पे ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंटोरियम। तो जो कंप्लीट हेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, इसका फिगर बना दे रखा है यहाँ पे देख सकते हो कि जो हेड है उस पर हमारा सेंसरी ऑर्गन, वहाँ पे एंटीना भी है, आई भी है। आई में भी हम बात करेंगे, इनकी जो आईज होती है वो क्या होती है? कंपाउंड आईज होती है, यानी मोजाइक विजन के लिए, ठीक है। मतलब ये जो है, जो आईज हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट ओमेटीडिया से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, टुकड़ों में बनता है, ठीक है। बीच में यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड है, ये यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, ये क्या है? ऑसिली है। ये भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके। तो अगर हम हेड पे बात करें तो इनके अपेंडेजेस 4 होते हैं,
वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, 0 to 3 ऑसिली, वन पेयर ऑफ एंटीना और फिर माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे अपेंडेजेस को हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस। ठीक है, अगर हम माउथ के अगर हम हेड के फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हेड का क्या है, माउथ पार्ट है इनके पास, यानी इंजेशन ऑफ फूड। दूसरा अगर हम बात करें तो सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, एंटीना है, ऑसिली, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है, यानी सेंसरी परसेप्शन इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है, हेड के अंदर ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़। और लास्ट जो है, हेड के अंदर ब्रेन है तो यानी ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, तो यानी इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, तो चार हो गए इसके फंक्शंस। और लास्ट जो इसमें हमारा हेड में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड। तो इंसेक्ट्स के हेड को हम जो पढ़ते हैं किस बेसिस पे पढ़ते हैं, उनके इंक्लिनेशन जो है बॉडी एक्सिस पे, वो किस एंगल पे अटैच्ड उनका हेड बॉडी एक्सिस के अलॉन्ग, उस बारे उसके बेसिस पे हम ये इंसेक्ट्स के हेड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस बेसिस पे इंसेक्ट का जो हेड है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला हाइपोगनेथस। गनेथस मीन्स क्या होता है, जॉ, और हाइपो मीन्स क्या हो गया, बिलो। अगर उनका माउथ पार्ट जॉ के बिलो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगनेथस। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप। ठीक है, एग्जांपल जैसे ग्रास हॉपर टाइप, ये जो मैंने पहला डायग्राम यहाँ पे दिया है हाइपोगनेथस का, देख लो, ये रहा इनका बॉडी एक्सिस, ठीक है, और माउथ पार्ट ऐसे है 90 degree पे। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइपोगनेथस। दूसरा है प्रोगनेथस। प्रो मीन्स क्या हो गया, इन फ्रंट, और गनेथस मैंने मतलब मैंने क्या बताया, जॉ, तो यानी इन फ्रंट ऑफ जॉ, मतलब सामने की तरफ जिनका अगर बॉडी एक्सिस जिस डायरेक्शन में है उनके पैरेलल आगे के साइड निकला हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोगनेथस टाइप। इस टाइप ऑफ ये जो माउथ पार्ट है वो माउथ का जो टाइप है ये किस में पाए जाते हैं, ये हमारे ग्राउंड बीटल्स के केस में पाए जाते हैं। तीसरा है ओपिस्थोगनेथस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉ है उसके बिहाइंड है इनका जो माउथ पार्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं तो इनका जो माउथ पार्ट होता है ना वो डायरेक्टेड होता है लेग्स के बीच में, उनके जो फोर लेग्स हैं उनके बीच में इनका माउथ पार्ट डायरेक्टेड होता है, यानी इनका इंक्लिनेशन किसी एंगल पे होता है। ठीक है, इसके इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिप्टेरॉइड टाइप। इस टाइप ऑफ जो माउथ पार्ट है वो किस में पाया जाता है, स्टिंक बग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हेड वाले टॉपिक को। अगला जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, थोरेक्स। थोरेक्स इज द मिडिल एंड द सेकंड टैगमा। ठीक है, अब थोरेक्स भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सेगमेंट्स में है, मतलब या फिर बोल सकते हैं 3 माइनर सेगमेंट्स होते हैं इनके। पहला प्रोथोरेक्स जो आगे की तरफ होगा, यानी जो सर्विक्स अटैच्ड है, दूसरा मीजोथोरेक्स और तीसरा मेटाथोरेक्स। जो प्रोथोरेक्स होता है इसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं निकली होती हैं। जो मीजोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है, सॉरी प्रोथोरेक्स में लेग अटैच्ड होता है, मीजोथोरेक्स में भी लेग अटैच होता है, मेटाथोरेक्स में भी लेग अटैच्ड होता है, दोनों साइड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सेगमेंट्स हैं, तीनों पे दो दो लेग निकले हुए हैं, एक करके एक एक साइड, यानी टोटल जो इंसेक्ट्स के जो 6 लेग हैं वो थोरेक्स रीजन में ही होते हैं, और वो तीनों माइनर सेगमेंट में, यानी प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। ठीक है, लेकिन इंसेक्ट का जो विंग होता है वो सिर्फ किस पे होता है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे, यानी सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट पे। तो इसीलिए हम जो मीजोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है, विंग्स इनके ऊपर है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रा का मीनिंग क्या होता है, विंग्स होता है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर है कि इंसेक्ट्स का जो थोरेक्स है वो 3 माइनर सेगमेंट में है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तीनों जो थोरेक्स के जो सेगमेंट है उन पे 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, यानी 6 लेग्स हो गए इनके, और जो मीजो और मेटाथोरिक्स है इनके ऊपर क्या होता है, विंग्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोथोरिक्स कहते हैं। अब जो इंसेक्ट्स का जो थोरिक्स रीजन है वो स्क्लेरिट्स से ढका होता है। ठीक है, जो स्क्लेरिट्स क्या मैंने बताया था, एक्सोस्केलेटन है ये। ठीक है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन है उनके पोजीशन बॉडी में किस जगह पे हैं उनके बेसिस पे इनका 3 तरह का नाम है। अगर वो बॉडी के डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड यानी जो जमीन के ऑपोजिट साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गाइट कहते हैं। जो स्क्लेरिट्स यानी जो एक्सोस्केलेटन उनके जमीन के तरफ हैं उसको हम लोग स्टर्नाइट बोलते हैं, यानी वेंट्रल साइड, और जो साइड में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लूराइट। ठीक है, यानी जो डॉर्सल साइड टर्गाइट, ठीक है, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट, और जो लेटरल साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूराइट कहते हैं। थोरेक्स पे मैंने जैसे बताया 3 पेयर ऑफ लेग्स, और इच पेयर जो है इच सेगमेंट में पाया जाता है। 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर कहाँ पे,
उसके मिजोथोरिक्स पे, और वन पेयर कहाँ पे, उसके मेटाथोरिक्स पे। तो मेनली अगर हम बात करें जो थोरिक्स पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, उनके लेग्स प्रेजेंट है और उनके विंग्स प्रेजेंट है, और दोनों का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। तो मेन जो थोरिक्स रीजन है उसका फंक्शन क्या है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, थोरिक्स रीजन के जो लेटरल साइड में हम देखते हैं कि स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होता है, स्पाइरिकल्स हो गया इनका रेस्पिरेटरी ओपनिंग। जो इंसेक्ट्स हैं वो ट्रेकिया से क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ओपनिंग है ट्रेकिया का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। तो जो इंसेक्ट का जो थोरिक्स रीजन है उसके लेटरल साइड पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर सेगमेंट में। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है कि ये जो थोरिक्स रीजन है वो तीन रीजन्स में होते हैं, प्रोथोरिक्स ये पहला रीजन, दूसरा मिजोथोरिक्स और ये मेटाथोरिक्स। ये देखो यहाँ पे मैं इनका लेग्स दिखा रहा है, जो येलो कलर में है, प्रोथोरिक्स पे भी लेग है, मिजोथोरिक्स पे भी और मेटाथोरिक्स पे भी। और ये जो विंग्स दिखा रखा है यहाँ पे, फोर विंग, और ये पीछे वाले पे जो मेटाथोरिक्स पे है वो क्या हो जाएगा, हाइंड विंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है इंसेक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहाँ होते हैं, एब्डोमेन पे होते हैं। तो ये जो है थर्ड और द लास्ट पोस्टीरियर टैग्मा इंसेक्ट्स का। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ 9 to 11 सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोमर्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, किसी में 9 होगा, किसी में 10, किसी में 11 तक भी होगा। ठीक है, एब्डोमेन जो सेगमेंट है इंसेक्ट का वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कभी कोई इंसेक्ट्स को देखा होगा वो क्या करते हैं, जब स्टिंग करते हैं जैसे हनी बी के केस में, वो क्या करते हैं अपने एब्डोमेन रीजन को ही क्या करते हैं, उसी से वो क्या डंक करती हैं, फिर स्टिंग करती हैं। तो उनका बॉडी जो पार्ट होता है एब्डोमेन, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लास्ट जो है हमारा, सॉरी, जो अगला पॉइंट है हमारा, कि जो भी सेगमेंट्स हैं इसके एब्डोमेन के, जो मैंने 9 से 11 बताएं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो इंटरकनेक्टेड जिस मेम्ब्रेन से होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं, CONJUCTIVA। ठीक है, और हर एक सेगमेंट, यानी जो 9 से 11 सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट के ऊपर अपना एक्सोस्केलेटन होता है। तो सिमिलर जैसे मैंने अभी थोरेक्स में बताया कि जो नीचे के साइड होंगे यानी जो वेंट्रल साइड पे होंगे उनको स्टरनाइट बोलेंगे, और जो पीछे डॉर्सल साइड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जो डॉर्सल साइड पे होंगे उनको टर्गाइट बोलेंगे, और जो साइड पे होंगे उनको प्लूराइट बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये याद रखना है, MCQs में पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव पेपर में। जो इंसेक्ट का जो सेगमेंट है स्टार्टिंग, यानी एब्डोमेन का जो फर्स्ट से लेके 8 है, वहाँ पे आठों पेयर पे, मतलब आठों सेगमेंट पे पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। स्पाइरिकल सेम वही जो ओपनिंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, वन पेयर ऑफ टिम्पेनम, टिम्पेनम क्या होता है, उनका सेंसरी ऑर्गन होता है वॉइस के लिए, वो उनके फर्स्ट सेगमेंट यानी एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट पे वन पेयर ऑफ टिम्पेनम भी पाया जाता है। जो फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट्स में वो कहाँ पाए जाते हैं, 8th और 9th सेगमेंट पे, अभी मैं डायग्राम से भी इस चीज़ को दिखाऊंगा। और जो लास्ट जो 9th सेगमेंट है उस पे मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी मेल के केस में अगर हम देखेंगे तो उनके 9th सेगमेंट पे क्या होगा, मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर होगा, और फीमेल के केस में देखेंगे तो 8th और 9th सेगमेंट पे उनके जेनाइटल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो फीमेल में जेनाइटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं और मेल में क्या क्या होते हैं, वही बात करेंगे अभी जस्ट। और जो उनका 10th सेगमेंट होता है इंसेक्ट का एब्डोमेन का, उस पे एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, सरकाई जिसको बोलते हैं, CERCI। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो मेनली वाइब्रेशन को कैच करता है। अगर मान लो इंसेक्ट कहीं बैठा है, अगर वहाँ पे हाथ रखते हैं उस टेबल पे, या फिर अगर जहाँ पे भी वो बैठा है, तो उनको जो वाइब्रेशन सेंस होता है ये ही एनल सरकाई के वजह से होता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें एब्डोमेन का, तो हम देख रहे हो कि इस पे ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उनका मेन जो अंदर का जो ऑर्गन है वो सारे मतलब एब्डोमेन में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो एब्डोमेन का मेन फंक्शन हो क्या है, रिप्रोडक्शन है, और दूसरा मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब इसके डायग्राम से एक बार देख लो एब्डोमेन क्या होता है। ये है इंसेक्ट का एब्डोमेन। ठीक है, जैसे ही मैंने बताया कि साइड में क्या पाए जाएंगे, स्पाइरिकल्स। तो ये देखो साइड में जो है वो स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है, ऊपर साइड जो मैंने बताया था क्या बोलते हैं उसको, टर्गाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वो देखो टर्गम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे साइड स्टर्नम लिखा हुआ है, स्टर्नाइट जिसको मैंने बताया था। ठीक है, अब ये देखो जो पीछे जो बना रखा है ना, ये एपिप्रोक्ट पैराप्रोक्ट ये लिखा हुआ है। तो देखो एपिप्रोक्ट और पैराप्रोक्ट किसके पार्ट है, एनएस के, यानी एनएल ओपनिंग भी जो है वो कहाँ पे है, इनके एब्डोमेन से ही होता है। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से होता है। और यहाँ पे दिए नहीं, हाँ देखो यहाँ पे सर्कस भी दे रखा है, यानी जो सरकाई मैंने बताया वो पेयर में भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। तो ये जो है उनका सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, वो वाइब्रेशन को सेंस करता है। जो 8th और 9th सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इस पे फीमेल के केस में क्या पाया जाएगा, इनका फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर यानी ओविपोजिटर पाया जा सकता है। ठीक है, और मेल के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके
9 सेगमेंट पे मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर बहुत ईजी था, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून, और जिसको भी इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझसे पूछ सकता है या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जिनको भी इस वीडियो की पीपीटी चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार इतना मेहनत करता हूँ मैं वीडियो पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।